तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पीछे की क्लास में अपनी बातें हो रखी थी, वेरी लास्ट अपनी जो सबके लास्ट में क्लास रही थी, मैंने वहां आपको एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इस चीज को समझाया था। और इसे समझाने के लिए हमने दो मॉडल लिए थे, एक था बॉक्स एंड पाइप मॉडल और दूसरा हमने एक वाई सेप्ड मॉडल था, उसको डिस्कस किया था। तो आई होप वो दोनों मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे और डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉडल्स आपको तैयार करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में मेजर क्वेश्चंस के रूप में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको अभी भी उनमें कोई दिक्कत लग रही हो, चाहे वो बॉक्स पाइप वाला मॉडल हो चाहे वो वाई सेप वाला मॉडल हो, आपकी कोई भी क्यूरी हो तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसको यहीं पे सॉर्ट आउट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे बता दीजिए उनके रिगार्डिंग। और दूसरा ये कि आपको अब जल्दी ही असाइनमेंट भी दिया जाएगा, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं डिजाइन करके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार करने चाहिए और वैसे भी आपको आने चाहिए इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एक छोटा सा होम असाइनमेंट भी दिया जाएगा, तो उसमें भी ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा लिखें और बहुत अच्छे से अपने असाइनमेंट को तैयार करें और एक लेवल के साथ काम करें, क्योंकि हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर बहुत ही कम काम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करना चाहिए ना। चलो ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जब भी आपको दिक्कत आया तो आप मेरे से फिर कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। तो लास्ट हमने जो बातें कर ली थी कि हम एनर्जी ट्रांसफर को लेकर के हमारी बातें हुई थी, चाहे हमने उनको मॉडल्स की वजह से समझा हो चाहे हमने नॉर्मल क्लास के अंदर हमारी बातें हुई थी, और उसके साथ में हमने जो मिनरल्स की बातें थी वो भी कर ली थी कि जो मिनरल्स हैं उनका साइक्लाइजेशन है वो चलता रहता है, एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। जो मेन चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है और आपको अपने आंसर्स में हमेशा उस चीज को लिखना होता है कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो सन से आती है, प्रोड्यूसर्स उसको कैप्चर करते हैं, देन वो ट्रॉफिक लेवल्स में एंटर करती है और लास्ट में वो एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाती है। दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। इस चीज को हम ग्रेजिंग फूड चेन का सारा लेकर के भी समझा सकते हैं और इस चीज को हम डिट्राइटस जो फूड चेन है उसका सारा लेकर के भी समझा सकते हैं। इसके बाद में जब मिनरल की बातें करनी होती है तो हम हमेशा यही कहेंगे कि मिनरल्स सॉइल का पार्ट होते हैं, क्योंकि हमने वहां लिखा था कि सॉइल इज द रिजर्वर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो भी मिनरल्स हैं वो पेरेंटल रॉक की विदरिंग होने से वहां पे बनते हैं, सॉइल का वो कंपोनेंट होते हैं, प्लांट्स अपनी जड़ों की सहायता से उनको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद में अपनी बॉडी के अंदर जो बायोमास है उसमें उसको स्टोर करते हैं, और उस बायोमास को जब अगले ट्रॉफिक लेवल वाले फिर उनसे आगे वाले ऐसे वो चलता है फूड के रूप में, तो मिनरल्स हैं वो अगले ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर प्रोसीड होते रहते हैं। एनर्जी भी फूड के थ्रू आगे मूव करती है और मिनरल्स भी फूड के फॉर्म में ही आगे ट्रेवल करते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर प्रोसीड होते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि चाहे प्लांट्स की डेथ हो रही हो या उसका डेब्रिस गिर रहा हो या हर्बीवॉर्स का डेब्रिस गिर रहा हो या उनकी डेथ हो रही हो या किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे उनका कोई भी पार्ट सोयल में गिर रहा हो या उनकी नेचुरल डेथ हो जाने के बाद में उनका बॉडी सोयल में गिर रहा हो, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं वो डेब्रिस के रूप में या डेड बॉडी के रूप में सोयल में आ जाते हैं, फिर सोयल के अंदर जो स्पेसिफिक माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स उनके ऊपर वर्क करते हैं, उनको फीड करते हैं। वर्क करने की जगह हम क्या कह सकते हैं कि उनके ऊपर फीड करते हैं, और फीड करने के अंदर जो ऑर्गेनिज्म काम में आ रहे होते हैं, जो वहां पे फीडिंग कर रहे होते हैं, उनको हम दोबारा से दो टुकड़ों में डाल रहे थे, एक थे हमारे डिट्राइटोवॉर्स और दूसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। डिट्राइटोवॉर क्या करते थे, बड़े पीसेज को छोटे पीसेज में कन्वर्ट करते हैं, वो अभी भी मिनरल को फ्री नहीं करते हैं, वो बड़े ऑर्गेनिक पार्ट को छोटे ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर, बड़े पीस को छोटे पीस के अंदर टुकड़े कर रहे हैं, छोटे टुकड़े कर रहे हैं, दैट डिट्राइटोवॉर्स। इसके बाद में उन छोटे टुकड़ों में जो मिनरल्स हैं उनको फ्री करना फूड के रूप में, बॉडी के रूप में, डेब्रिस के रूप में, जो भी सॉइल में आया
लास्ट टुकड़ा, ऑर्गेनिक मैटर का लास्ट टुकड़ा जिसमें मिनरल्स हों, और उन मिनरल्स को सॉइल में फ्री करने का काम जो करते हैं उनको हमने बोला था डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर सॉइल में गिरी हुई हर ऑर्गेनिक चीज में से, हर ऑर्गेनिक पार्ट में से, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो, अर्बिवोर का हो, कार्निवोर का हो या किसी का भी हो, उसमें से मिनरल्स को दोबारा से फ्री करके सॉइल में डालने का काम करते हैं डीकम्पोजर। और पहली साइड में देखें तो सॉइल में से उठाने का काम करते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स मिनरल को उठाते हैं सॉइल में से और डीकम्पोजर सॉइल में वापस डालते हैं। तो यानी कि सॉइल में पड़े रहते हैं, उठते हैं प्लांट्स के द्वारा, वापस डाले जाते हैं डीकम्पोजर्स के द्वारा। तो सॉइल में से थे, प्लांट में गए, फिर फूड चेन में चलेंगे, वापस सॉइल में आएंगे। तो इस प्रकार से वो साइक्लिंग के अंदर चलते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइक्लिंग, कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर रन करते हैं, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं और ये सॉइल का जो एटमॉस्फेयर है उसको भी यूज करते हैं। वहां से हमने इसके लिए जियो वर्ड यूज किया। तो ऐसे हमें अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनके लिए, जैसे आप नाइट्रोजन का पढ़ने की बातें करें, सल्फर का करें, फॉस्फोरस का करें, ये सब आपके सिलेबस में है, उनको भी हम वन बाय वन करके जो चक्र है उनके रूप में पढ़ेंगे। तो लेकिन हम यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक था इकोसिस्टम फंक्शनिंग, इकोसिस्टम फंक्शनिंग के अंदर हमने ये दोनों चीजें पढ़ी थी कि इकोसिस्टम फंक्शनिंग के हमने दो टुकड़े किए थे, एनर्जी का फ्लो और मिनरल्स की साइक्लिंग। तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है वो सारी बातें मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाई, मॉडल्स क्या थे वो आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। मिनरल साइक्लिंग क्या होती है इसका जो ओवरव्यू है कि ऊपर ऊपर से हम देखें तो मिनरल कहाँ है, कैसे चलते हैं, कैसे वापिस आते हैं, कौन उठाता है, कौन वापिस डालता है, और ये सारी बातें एक जनरल जो हमारा प्रोसीजर था वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद में आज हम बातें करेंगे जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज हैं उनसे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ एफिशिएंसीज होते हैं, उनको हम किस प्रकार से समझते हैं, उन सब के ऊपर आज की हमारी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले जो फिगर आपके पास, ये जो स्टार्टिंग में फिगर दे रखा है, इस फिगर को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि जो पुरानी वाली बातें वो वापिस से इसमें समराइज भी हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि एनर्जी पाथवे थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स, हालांकि ये चीज मैंने आपको बता दी है लेकिन फिर भी हम इस फ्लो चार्ट से दोबारा इसको देख लेते हैं कि ट्रॉफिक लेवल्स में से होकर के एनर्जी का जो फ्लो है वो एनर्जी का पाथवे किस प्रकार से मेंटेन होता है। तो जैसे हम बात करें कि हमारे पास जो फ्लो चार्ट दे रखा है उसमें सबसे पहले दे रखा है ट्रॉफिक लेवल वन। तो ट्रॉफिक लेवल वन के अंदर हमारे पास है ग्रीन प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ट्रॉफिक लेवल वन पे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो टू है यहाँ पे हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल थर्ड के ऊपर कार्निवोर हो जाएंगे। तो वो चीज हमें पता है, उसके लिए हमें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीजें हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ट्रॉफिक लेवल वन वालों की अगर हम बात करें तो उसके लिए कह रहा है कि नेट प्रोडक्शन, ये मैंने आपको बता रखा है नेट प्रोडक्शन। नेट प्रोडक्शन का मतलब अगर हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल वन की तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और वो भी कैसे वाली, नेट। तो दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ट्रॉफिक लेवल वन की है तो P1 से हमने उसको डिनोट कर रखा है। तो नेट प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल वन इज इक्वल टू, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। तो आप में से एक बच्चा मुझे जल्दी से बता दे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है, या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो मुझे बताना चाहे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पारस बताइए बेटा।
पारस आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? नहीं सुन पा रहे? कोमल आप बताओ बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आप बताइए। मतलब बेसिकली आपको यही चीज ध्यान में रखनी होती है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, उसे अपन बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। उन्होंने जितना भी जोड़ा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉफिक लेवल वन, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, या हम उसको सिंपली बोल सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर हम इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस से पौधे को प्राप्त हुआ, दैट इज ग्रॉस टोटल। अब पौधे को रेस्पिरेशन भी करना पड़ता है क्योंकि वो सर्वाइव कर रहा है, अलाइव है, तो उसके मेटाबॉलिज्म रन करती है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती है, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी खर्च हो जाती है। तो रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, अगर हम उसको ग्रोथ में से माइनस कर दें, तो ग्रोथ में जितना भी था उसमें से अगर हम रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो बचेगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट। नेट का मतलब आफ्टर रेस्पिरेशन लॉसेस, रेस्पिरेशन लॉसेस को अगर हम माइनस कर दें तो फिर बचेगा उसको बोलेंगे नेट, अगर ना करें तो हम बोलेंगे उसको ग्रॉस। तो ये बातें थी कि हम प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्या है और नेट क्या है। ऐसे हमें सेकेंडरी का भी पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, क्योंकि ये चीजें अब बहुत ही सिंपली हमें पता रहनी चाहिए कि हम किन बातों के ऊपर जा रहे हैं और कौन सी बातें हमारी किस प्रकार से एप्लीकेबल होती है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट को डिस्कस करें, तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि पौधों ने फोटोसिंथेसिस करने के बाद में, रेस्पिरेशन करने के बाद में उनके पास जो बचा हुआ है, दैट इज नेट प्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट या नेट प्रोडक्शन। और ये एक्चुअल में वही एनर्जी है, वही मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से पौधा अपने बायोमास को बड़ा कर रहा है, या पौधे की साइज है वो बड़ी हो रही है। क्योंकि तो रेस्पिरेशन में जो चला जाएगा वो पौधे के पास बचता नहीं है, वो उसके बायोमास को बढ़ाने में काम नहीं आता, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है केवल वो उसके बायोमास को बढ़ाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में प्लांट का बायोमास है, उनकी प्रोडक्टिविटी है नेट वाली प्रोडक्टिविटी। अब इन पौधों को अगले ट्रॉफिक लेवल वाले कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि जो पौधे हैं वो हर्बीवोर्स के लिए ओपन होते हैं। आपको ध्यान से सुनना है कि जो प्लांट्स हैं उनको हर्बीवोर ईट कर सकते हैं, पौधा हर्बीवोर के लिए ओपन है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि हमें बताया गया है, नॉन प्रीडेटरी डेथ, नॉन प्रीडेटरी डेथ को आप में से कोई बता पाए कि नॉन प्रीडेटरी डेथ क्या होता होगा? एक तो सिंपल डेथ होती है और एक होता है प्रीडेटरी डेथ, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि मैंने प्रीडेशन को आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीडेशन से होने वाली मृत्यु क्या होती है और बिना प्रीडेशन के होने वाली मृत्यु क्या होती है। तो सिंपल डेथ और प्रीडेटरी डेथ में क्या अंतर है? आप में से कोई भी जो मुझे बताए कि प्रीडेटरी डेथ क्या होती है और नॉन प्रीडेटरी डेथ क्या होती है। एनीवन, आप में से कोई भी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए,
सपोज एक गाजर आप एज्यूम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रोड्यूसर है, पौधा है, और सपोज कर लीजिए कि उसको कोई सपोज ह्यूमन खा रहा है, तो ह्यूमन इसको ईट करेगा तो वो देखा जाए तो हर्बीवोर की कैटेगरी में आ जाएगा इस एंगल से। अगर हम इसको खाना चाहते हैं तो हम इसको सॉइल में से निकालेंगे और निकाल करके इसको ईट कर लेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे यहाँ पे हिरण हो और उसको लॉयन खा रहा हो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। चाहे हम गाजर के साथ जो करने वाले हैं या लॉयन हिरण के साथ जो करने वाला है, डियर के साथ जो करने वाला है, वो बिल्कुल से सेम है कि हम उसको कंप्लीट कंज्यूम कर रहे हैं। एक प्रकार से प्रेडेशन हो रहा है, एक प्रकार से प्रीडेशन हो रहा है। इसको हम हर्बीवोरी बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको प्रेडेशन ना बोल करके हर्बीवोरी बोलेंगे, क्योंकि हम ग्रीन प्लांट का ग्रीन पार्ट खा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको एक्चुअल जो प्रेडेशन है वो बोलेंगे। तो जब किसी को खाया जाए और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए तो वो तो कहलाएगी प्रीडेटरी डेथ। अगर किसी को खा लिया जाए और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए वो तो हो जाएगा प्रीडेटरी डेथ। और एक जिसको ना खाया जाए और उसके बाद में, यानी कि नेचुरल डेथ। डेथ दो प्रकार से हो सकती है, एक तो उसको कोई नहीं खा रहा है तो लास्ट में जब उसकी एंडिंग आएगी लाइफ की तो उसकी डेथ होगी, वो तो होता है नॉन प्रीडेटरी डेथ, यानी कि उसने किसी ने भी उसका भक्षण नहीं किया, वो नॉर्मली एजिंग के बाद में जाकर के लास्ट में मरेगा, उसकी डेथ होगी, दिस इज नॉन प्रीडेटरी डेथ। और दूसरा होता है कि उसको बीच में ही बूढ़ा होने से पहले ही छोटा था तभी, या ग्रोविंग पीरियड के अंदर ही बीच में किसी ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो दैट इज प्रीडेटरी डेथ। ठीक है, तो ये दो चीजें थी। प्रीडेटरी डेथ आपको पता रहना चाहिए, नॉन प्रीडेटरी डेथ क्या होनी चाहिए। तो जब भी डेथ होगी तो डेथ भी कौन सी, नॉन प्रीडेटरी, ध्यान देना है। अगर इस हिरण की डेथ हो जाए तो ये जाएगा सॉइल में, अगर इसकी नॉन प्रीडेटरी डेथ होगी तो कहां जाएगा इसका बॉडी, सॉइल में। और अगर इसकी प्रीडेटरी डेथ होती है तो इसका बॉडी कहां जाएगा, लॉयन की बॉडी में। दोबारा से सुन लीजिए, अगर इस हिरण की प्राकृतिक मृत्यु होती है, बूढ़ा होकर के अगर ये मरता है, इसको कोई कंज्यूम ना करे, कोई इसका शिकार ना करे, तो ये कहां जाएगा, सॉइल में। ये अगले ट्रॉपिक लेवल में नहीं पहुंचेगा, ये डिट्राइटोवर फूड चेन के हवाले हो जाएगा। अगर इसका प्रीडेशन हो गया तो ये कहां पहुंच रहा है, अगले ट्रॉफिक लेवल के अंदर। तो वही चीज आपको यहां समझाने के लिए दी गई है कि जो नॉन प्रीडेटरी डेथ, यानी कि नेचुरल डेथ, प्रीडेशन नहीं हुआ, प्रीडेशन नहीं हुआ इसका मतलब उसको खाया नहीं गया, तो खाया नहीं गया तो वो अगले ट्रॉफिक लेवल में एंटर नहीं कर रहा। तो वो कहां है, इसी ट्रॉफिक लेवल में। आपको साइड में एरो दिखा दिया, और ये एरो कहां जाएंगे बाद में, सॉइल में जाएंगे। और अगर ट्रॉफिक लेवल वन पे जो भी है उनके पास जो भी बायोमास था उसका प्रीडेशन अगर हो जाए, प्रीडेशन हो जाए तो वो लाइन जाएगी यहां पे अगले ट्रॉफिक लेवल में। तो जिनका प्रीडेशन नहीं हुआ वो जाएंगे सॉइल में, लेकिन कब जाएंगे, डेथ के बाद। और जिनका प्रीडेशन हो गया वो जाएंगे अगले ट्रॉफिक लेवल में, कब जाएंगे, नेचुरल डेथ से बहुत पहले, जिस समय पे प्रीडेशन हो रहा उसी समय पे। राइट, बात समझ गए होंगे। तो अगर सामान्य मृत्यु होती है तो बायोमास जाएगा सॉइल में और वो हो जाएगा बाद में डिट्राइटोवस फूड चेन के अंदर प्रोसीड, और अगर बीच में उसका भक्षण हो रहा है तो वो जाएगा अगले ट्रॉफिक लेवल के अंदर, यानी कि ट्रॉफिक लेवल टू के अंदर। अब ट्रॉफिक लेवल टू वाले, यानी कि अगर कोई किसी को खा रहा है तो उसके साथ क्या क्या चीजें हैं, उसको बॉडी के अंदर लेना, दिस इज इंजेस्टेड, माउथ कैविटी में डालना, उसके भाग को अपना भोजन बनाने के लिए मुंह में डालना, दिस इज इंजेस्टेड डिनोटेड बाई आई। तो इंजेस्टेड मुंह में कितना डाल रहा है, भक्षण कितना कर रहा है, इंजेस्ट कितना कर रहा है, दैट इज इंजेस्टेड। इंजेस्टेड के बाद में क्या होगा कि कुछ ऐसा है कि उसने अपने एलिमेंट्री कैनाल में डाला तो सही, लेकिन जो डाला वो उसके द्वारा पचा नहीं, और जो पचा नहीं वो कहां जा रहा है, डिफिकेशन, यानी कि जो एक्सक्रीटा है
उस एक्सक्रीटा के रूप में बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके रूप में बाहर आ जाएगा एक्सक्रीटा के रूप में, और ये एक्सक्रीटा भी बाद में कहाँ जाएगा, सॉयल के अंदर। तो जितना उसने इंजेस्ट किया था सारा एसिमिलेट नहीं होता, आगे क्या है एसिमिलेशन, तो जितना इंजेस्ट किया सारा एसिमिलेट नहीं होता है, उसमें से कुछ भाग जो अनडाइजेस्टेड है वो इस लाइन से यहाँ आउट हो रहा है, बॉडी से आउट हो गया फीसेस के रूप में और बाद में सोयल में चला गया। अब जो बचा था केवल वो उसके पास है एसिमिलेटेड, कि वो उसने एसिमिलेट किया वो भी वापस उसके पास पूरा बचता नहीं है। अब हम अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो है उसका नेट प्रोडक्शन बता रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और वो भी कैसी, नेट वाली। तो जो उसके पास एसिमिलेट हुआ ये होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस। जैसे पहले हमने प्लांट्स के लिए प्राइमरी बोला था, अब अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए हम इनको सेकेंडरी बोलेंगे। तो सेकेंडरी ग्रॉस, उसने जितना अपनी बॉडी में पचा के अब्जोर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, जो नहीं पचा वो तो आउट हो गया था डिफेशिएशन से, और जो पच गया वो उसकी बॉडी में आकर के जुड़ गया, एसिमिलेट हो गया, लेकिन सारा एसिमिलेट बचता नहीं है। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि वापस से जब ये हर्बीवोर है तो इनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ रहा है, और इनकी बॉडी में से भी रेस्पिरेशन के रूप में एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। तो वही आपने यहाँ पे माइनस किया है कि सेकेंडरी जब ग्रोथ थी तो उसे आप उसका नेट बनाएंगे तो रेस्पिरेशन लॉसेस यहाँ पे माइनस हो गए, ये वाले रेस्पिरेशन लॉसेस वही है। तो हर्बीवोर ने इंजेस्ट कितना किया, उसके बाद में उसके पास पचने के बाद में सोखा कितना गया, एसिमिलेटेड, और फिर रेस्पिरेशन में जो कंज्यूम हो गया वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रोडक्शन ऑफ ट्रॉफिक लेवल 2, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और वो भी कैसी, नेट वाली। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद में, कि इंजेस्ट कितना किया गया, बाहर कितना डाला गया, सोखा कितना गया, रेस्पिरेशन में कितना कंज्यूम हो गया, ये सारा बजट हो जाने के बाद में फाइनल जो बच जाता है दैट इज नेट प्रोडक्शन। अगर ये प्लांट का है तो हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, अगर ये इनका है तो हम बोलेंगे नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब जैसे प्लांट्स के ऊपर ये सारा लागू हुआ था बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये अब लागू हो जाएगा अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए, कि जैसे हर्बीवोर हैं तो अब इनको कार्निवोर खा सकते हैं, लेकिन कार्निवोर खाएंगे ये जरूरी नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हर हर्बीवोर की डेथ किसी के खाने से ही होगी, हो सकता है कि उसकी नेचुरल डेथ भी हो जाए। तो अगर नॉन प्रेडेटरी डेथ होगी तो वापस जो हमने प्लांट को बोला था सेम वही लाइन आएगी कि ये सॉइल में जाएंगे, अगर इनका प्रेडेशन हो गया तो वो कहाँ जाएंगे, अगले ट्रॉफिक लेवल यानी कि ट्रॉफिक लेवल 3rd में चले जाएंगे। तो ये तो हमने बात की कि एनर्जी पाथवे ट्रॉफिक लेवल से होकर के किस प्रकार से रन करता है, ट्रॉफिक लेवल 1 में जो नेट प्रोडक्शन है वो क्या चीज होती है, अगले का नेट, ट्रॉफिक लेवल 1 का नेट और अगले ट्रॉफिक लेवल वाले का नेट बनते समय बीच में क्या क्या आ जाता है, इंजेस्टेड क्या चीज होती है, एसिमिलेटेड क्या चीज होती है, रेस्पिरेशन लॉस क्या होता है, डिफेशिएशन क्या होता है, नॉन प्रेडेटरी डेथ क्या चीज होती है, तो ये सारा हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करके डिस्कस कर लिया। तो अभी इससे जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका इश्यू हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप मुझे फटाफट बोल दीजिए ताकि मैं आपके साथ अभी इसको सॉर्ट आउट कर लूँ और हम फिर आगे बढ़े। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत हो आपको, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रिया जैन पूछ रहे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो आप में से कोई भी बच्चा एक बार बता दे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फिर मैं अगर कोई कमी रह जाएगी तो फिर मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। आप बताइए, आप में से कोई भी स्टूडेंट बता दीजिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है।
नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्यूरी रखी है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो ये तो प्रोडक्टिविटी है कि वो बनाता क्या है, यानी कि सब कुछ सारा बजट होने के बाद में उसके पास बचता क्या है, यानी कि इस एन का मतलब तो है उसका बायोमास। और ये प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि ये मामला किसका है, प्रोड्यूसर का, यानी कि ग्रीन प्लांट्स का मामला है। तो ग्रीन प्लांट्स के पास बन जाने के बाद में जो भी भोजन बन जाएगा, उसके बाद में जो रेस्पिरेशन लॉसेज में सारे लॉसेज अगर हम माइनस कर दे, तो फिर जो बचेगा वो कहलाएगा नेट आफ्टर रेस्पिरेशन लॉस, आफ्टर रेस्पिरेशनल लॉस को अगर हमने माइनस कर दिया। ऐसे समझिए कि पौधे ने फोटोसिंथेसिस किया तो इसने फूड बनाया, फूड बनाया तो वो इसने बनाया टोटल फूड, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। पौधे ने बनाया तो हम इसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन पौधे के अंदर केवल ये तो है नहीं कि केवल फोटोसिंथेसिस ही चलता है, उसमें रेस्पिरेशन भी होगा और मेटाबॉलिज्म भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी है वो दूसरे मेटाबॉलिज्म के अंदर लग जाती है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशनल लॉसेस या मेटाबॉलिक लॉसेस। तो उन मेटाबॉलिक लॉसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी, ये सन की एनर्जी थी, उसने उसको ग्रॉस में डाला, लेकिन सारी उसके पास नहीं बचती क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें माइनस हो जाती है। तो रेस्पिरेशन कर लेने के बाद में या मेटाबॉलिज्म कर लेने के बाद में अब इसमें से जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसने जो बनाया था शुरू में वो था ग्रॉस, लेकिन सारा उसके पास बचेगा नहीं क्योंकि रेस्पिरेशन में उसको कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा, तो रेस्पिरेशन में जितना कंज्यूम हो जाएगा उसके पास जो बचा तो वो रह जाएगा हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक बार थोड़ा सा और फोकस कीजिए, मान लीजिए कि उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके एक घंटे के अंदर 13 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर की, कि 13 किलो कैलोरी एनर्जी उसने फोटोसिंथेसिस करके उसने बनाई, लेकिन रेस्पिरेशन में उसकी 2 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम हो गई। सपोज कर लीजिए कि बनाया तो था उसने 13, लेकिन उसकी 2 किलो कैलोरी एनर्जी कहां लगी, रेस्पिरेशन में, तब उसके पास क्या बचा है, 13 माइनस 2 यानी कि 11। तो 13 को तो हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, 11 को बोलेंगे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और 2 क्या है, रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिक लॉसेस। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि टोटल जो बनता है ग्रॉस, उसमें से खर्चे जो हो जाते हैं, कंज्यूम जो हो जाता है, जो बचता नहीं है, जो खर्च हो जाएगा उसको हम माइनस करते हैं, तो बाद में जो फाइनल बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट। अभी क्लियर हुआ? अभी ये बात क्लियर हो गई ना? ओके, चलो अब हम आगे की बातें करते हैं। अब हम कुछ इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज के बात करेंगे। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज ए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब एक सम्मिलित रूप होता है सेवरल रिलेटेड एफिशिएंसी, कि कुछ आपस में मिलती जुलती एफिशिएंसीज होती हैं दैट डिस्क्राइब रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी स्पीसीज रिसोर्स को किस प्रकार से यूटिलाइज करेगी। रिसोर्स का मतलब यहाँ पे होता है फूड, क्योंकि हमारी जो बात चल रही है उसमें रिसोर्स क्या है, फूड, क्योंकि हम मोस्टली किस चीज पे फोकस होकर बात कर रहे हैं, फूड के ऊपर होकर के बात कर रहे हैं। एंड द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब कितना कम या ज्यादा, टू विच रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू बायोमास। तो इन एफिशिएंसीज से हमें क्या पता लगने वाला है कि कोई रिसोर्सेज को कंज्यूम कैसे करता है, और कंज्यूम करने के बाद में
उस रिसोर्स को बायोमास में कन्वर्ट कितना कम या ज्यादा कर पाता है, क्योंकि जैसे हम हर्बीवोर की बात कर रहे थे, उसने पौधे को खाया और अपना बायोमास बनाया, तो वो कितना खा सकता है, दिस इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और फिर जो खाया उससे वो अपना बॉडी कितना बना सकता है, दैट इज कन्वर्टेड इंटू बायोमास, तो कंज्यूम कितना कर सकता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और फिर उससे अपना बॉडी कितना बना सकता है, दिस इज कन्वर्टेड इंटू सेल्फ बायोमास। तो इनको लेकर के हम जो टेक्निकल बातें होती हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज एक्सप्लोइटेशन एफिशिएंसी, कि कोई एक्सप्लोइट कितना कर सकता है, किसी सामने जो फूड रखा है, जो भी उसका फूड है, उसको कितना कंज्यूम कर सकता है, एक प्रकार का कंजप्शन एफिशिएंसी है। एक्सप्लोइटेशन एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड, कि वो अपनी बॉडी के अंदर, अपनी माउथ कैविटी के अंदर कितना फूड डाल सकता है, और आप उसको किससे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रे प्रोडक्शन, कि वो अपने प्रे का जो प्रोडक्शन था उसका, उसको हम बटा के नीचे ले लें, और उसने माउथ कैविटी में जो डाला उसको हम बटा से ऊपर ले लें, तो हमारे पास एक अनुपात आएगा, और उस अनुपात को हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए कि दिस इज ए रैबिट, ये खरगोश है और इसको लॉयन कंज्यूम कर रहा है, ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। तो रैबिट को जब लॉयन कंज्यूम कर रहा है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो लॉयन रैबिट को अपने मुंह में डालेगा, यानी कि उसको खाएगा, इसका भक्षण होगा, प्रिडेशन होगा, तो माउथ कैविटी के अंदर इसको डाला जाएगा, दिस इज कंजप्शन। अब ये एक बार में कितना डालेगा, दिस इज अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड, कि इसने जैसे ही मुंह खोला तो इसके मुंह में ये कितना, इसका कितना भाग, जैसे मान लो यहाँ पे रैबिट, तो आपको लगता है कि पूरा मुंह में डाल देगा, सपोज यहाँ पे बफेलो हो तो ऐसा तो नहीं कि वो पूरे बफेलो को एक बार में मुंह में डाल लेगा, वो अपने माउथ कैविटी में कितना इंजेस्ट कर पाएगा, दैट इज इंजेस्टेड। और हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉयन की बात कर रहे हैं, तो इंजेस्टेड लॉयन के द्वारा, यानी कि लॉयन कितना उसको मुंह में डाल पाएगा, उसको इंजेस्ट कर पाएगा, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रे प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रे कौन है, रैबिट, तो रैबिट का प्रोडक्शन, तो रैबिट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज सपोज हमने बोल दिया प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन किसका, रैबिट का। अब हमने इसको यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखने की कोशिश करना, यहाँ पे लिखा है आई एन डिवाइडेड बाय पी एन माइनस वन। अब आप पी को लेंगे ट्रॉफिक लेवल, पी क्या चीज है, सॉरी एन को लेंगे ट्रॉफिक लेवल, एन इज इक्वल टू ट्रॉफिक लेवल, एन इज इक्वल टू ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे जो हमारा इंजेस्ट करने वाला है, इंजेस्ट किसने किया, लॉयन ने किया, तो इंजेस्टेड कैपेसिटी किसकी है, लॉयन की, तो लॉयन जो इंजेस्ट कर रहा है, लॉयन जो इंजेस्ट कर रहा है, उस इंजेस्ट के लिए अगर हम बात करें, तो लॉयन का जो ट्रॉफिक लेवल है उसको हमने बोल दिया एन, लॉयन का ट्रॉफिक लेवल कौन सा हो गया, एन, तो आई एन का मतलब इंजेस्ट कितना किया, और किसने, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी दक्षता हम बता रहे हैं, किसकी बता रहे हैं, इंजेस्ट करने की दक्षता रैबिट की नहीं है, लॉयन की है, ऑर्गेनिज्म जो आपने लिया है, खरगोश और शेर जो हमने लिया, उसमें कौन खाएगा, रैबिट नहीं खाने वाला, लॉयन खाने वाला है, तो दक्षता रैबिट की नहीं है, दक्षता लॉयन की है, तो लॉयन का ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, जैसा हमने जो भी लिया वो उसका एन है, और कोई भी अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को खाता है, तो जिसको खाया गया वो उसका क्या हो गया, रैबिट का क्या हो गया, एन माइनस वन। तो जो खाने वाला है उसका ट्रॉफिक लेवल एन, और किसको खाया उससे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन माइनस वन। तो कभी भी एन वाला एन वाले को नहीं खा पाएगा, और कभी भी एन वाला एन प्लस वन को नहीं खा पाएगा,
क्योंकि वो उसका फूड नहीं होता है। उसका फूड कौन होगा? उससे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल यानी कि एन माइनस वन। तो उसके जस्ट नीचे जो, अगर ये रिलेशन हम इसके बात करें कि रैबिट और लॉयन की बात करें, तो यहाँ पे ये इसको खा रहा है, तो सिंपली इसका ट्रॉफिक लेवल जो भी है दिस इज एन, और ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन, उससे नीचे वाला। इसने क्या किया, इसने अपनी माउथ कैविटी में कितना डाला, दैट इज डिनोटेड बाई आई, क्योंकि हम उसी को बता रहे हैं कि इसकी मुंह में डालने की जो योग्यता है वो योग्यता क्या है। दिस इज आई, लेकिन किसकी, आई एन, और किसको मुंह में डाल रहा है, उसके पास जो था, उसके पास जो था दैट इज प्रोडक्शन, दिस इज प्रोडक्शन, ये उसकी बॉडी। और ये प्रोडक्शन क्या था, प्रोडक्शन था उसका नेट प्रोडक्शन। अगर आप बात करें तो ये रैबिट का नेट प्रोडक्शन है कि रैबिट ने रेस्पिरेशन वगैरह सब कर लिए, उसके बाद में ये उसके पास जो बचा था दिस इज नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन रैबिट के लिए। तो उसकी बॉडी दैट इज पी, किसकी बॉडी, जिसको खाया जा रहा है दैट इज प्रे, जिसको खाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड प्रे, प्रे का हो जाएगा एन माइनस वन। तो ये तो रहा कि उसके पास था कितना और उसने मुंह में कितना डाला। सपोज यहाँ पे हम बात करें कि रैबिट की बॉडी थी वो थी 5 kg की, 5 kg का रैबिट था, लेकिन उसको लॉइन एक बार में मुंह में कितना डाल रहा है, 1.5 kg सपोज। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे अगर हम किसी इंसेक्ट को लें कि हमारे पास कोई इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट को कोई छिपकली खा रही है, कोई लिजार्ड खा रही है, ये इसको पूरा खा लेती है। तो अगर ये हमारा इंसेक्ट 2 ग्राम का है और ये इसको 2 ग्राम का पूरा ही खा लेती है, तो देखा जाए तो अंतर है यहाँ पे 2/2, इसकी एफिशिएंसी तो 100% है कि ये तो पूरा ही कंज्यूम कर लेती है, इंजेस्ट कर लेती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये तो बहुत छोटी होने वाली है, दिस इज 0.075। तो देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि जो उपलब्ध था दैट इज पी एन माइनस वन, लेकिन उसमें से मुंह में डाल कितना सकता है, दैट इज आई एन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोइटेशन एफिशिएंसी, कि वो उसको एक्सप्लोइट कितना कर सकता है। तो एक्सप्लोइट कितना कर सकता है यानी कि वो सामने जो था उसको अपना भोजन कितनी दक्षता से बना सकता है, जितना दक्षता से उसको अपना भोजन बनाएगा ये वैल्यू इस अनुपात की जितनी ज्यादा होगी उसके पास उतना ज्यादा फूड आएगा पिछले ट्रॉफिक लेवल वाले का। राइट, ये बात समझ पा रहे हैं क्या, ये बात आपको क्लियर हुई? जैसे मान लीजिए कि आपके पास, हम आपको एक मिठाई का डब्बा दे देते हैं, पूरा 2 kg का पूरा बॉक्स आपके पास मिठाई का है, वो है पी एन माइनस वन आपके लिए। आप उसमें से माउथ कैविटी में कितना डाल सकते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड, वो हो सकता है कि आप एक बार में 50 ग्राम का पीस ही डाल पा रहे हैं। तो उपलब्ध कितना था, वो तो सारा ही उपलब्ध था, रैबिट लॉयन के लिए पूरा उपलब्ध है, लेकिन वो उसमें से खा कितना सकता है एक बार में, दिस इज अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड। और अगर हम इसको दक्षता बोले कि कितना दक्ष है, कितना अच्छे से खाने वाला तो है लेकिन कितना अच्छे से खाने वाला है, तो उसको हम एक अनुपात में डिनोट करते हैं आई एन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन। क्लियर हुई बात, क्या ये बात क्लियर है? ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा ना, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं, सेकंड जो है दैट इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ एसिमिलेशन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड। तो दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है वो ये है एसिमिलेशन एफिशिएंसी, कि जितना इंजेस्ट किया था वो सारा पचता नहीं है, पचाने की एबिलिटी जितनी है
एक्सक्रीटा के रूप में बाहर निकल जाता है, तो जितना कम एक्सक्रीटा रूप में बाहर जाएगा उतना ज्यादा वो पचा पाएगा। तो एक तो हमने बात की कि खाने की कैपेसिटी क्या है, अब ये हो जाएगी एक्चुअल में पचाने की कैपेसिटी क्या है, एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्या है, एब्जॉर्ब करके अपना बनाने की कैपेसिटी क्या है। दिस इज अमाउंट ऑफ एसिमिलेशन, कि कितना वो जोड़ पाएगा अपनी बॉडी में या सोख पाएगा खाने में से, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड। तो जितना उसने इंजेस्ट किया था उसमें से अब वो एब्जॉर्ब कितना कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों सिग्नल वही है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो दोनों एक ही ट्रॉफिक लेवल के हैं, वहां पे एन और एन माइनस वन यहाँ लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे उसने जो इंजेस्ट किया था ये उसी का इंजेस्ट है, उसने जितना खाया था दैट इज इंजेस्ट, और इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उसने अपनी बॉडी में जोड़ा कितना, एसिमिलेट कितना किया। तो एसिमिलेट कितना किया, किस में से एसिमिलेट करेगा, जो इंजेस्ट किया जाता है उसमें से एसिमिलेट किया जाता है, और जो एसिमिलेट नहीं होता वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीटा के रूप में आउट हो जाता है। तो बॉडी में डाल कितना सकता है, ये पहली बात, एक्सप्लोइटेशन एफिशिएंसी, जितना डाला उसमें से एसिमिलेट करना कितना कर सकता है, दैट इज ए एन डिवाइडेड बाई आई एन। ये आपको इस फॉर्मूला से बताना होता है कि ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल वालों का हम इसी प्रकार से बताएंगे कि उसमें इंजेस्ट करने का कितना कैपेसिटी है, इंजेस्ट कितना कर सकता है, और उसमें से फिर वो डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कितना कर सकता है, दैट इज ए एन डिवाइडेड बाई आई एन। फिर हम तीसरी चीज पे बढ़ते हैं, तीसरा है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन का नाम बोलते ही और साथ में हमने जोड़ दिया नेट, तो अब अपने आप समझ जाएंगे कि हमें रेस्पिरेशन लॉसेज को इसमें से माइनस कर देना है। इन द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, उसने जितना भी बनाया उसका अमाउंट है, डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिमिलेशन, उसने जो एसिमिलेट किया था, एसिमिलेट करने के बाद में जो उसके पास बचा उसमें से उसने बनाया कितना। जैसे हम अभी इसकी बात कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि यह फॉर्मूला हम कैसे समझा पाएंगे। कि पहले ये था कि उसने इंजेस्ट कितना किया, ये नंबर वन में बात हो गई, उसके बाद में उसमें एसिमिलेट कितना हुआ, ये नंबर टू की बात हो गई, अब वो बना कितना पाएगा, दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज नेट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना हो पाएगा, किसका, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रॉफिक लेवल एन वाला। तो प्रोडक्शन किस में से करेगा, जो उसने पचा करके सोखा है, दिस इज ए एन। तो जो उसने इंजेस्ट किया वो सारा सोखा नहीं था, क्योंकि एक्सक्रीटा के रूप में आउट हो गया था, एक्सक्रीटा के रूप में आउट हो गया था, लेकिन जो सोखा वो सोखने के बाद में उसके प्रोडक्शन को बनाएगा, लेकिन उसमें से भी कुछ माइनस हो जाता है, और वो क्या होता है, रेस्पिरेशनल लॉसेस या मेटाबॉलिक लॉसेस। तो इंजेस्ट कितना कर सकता है, दैट इज एक्सप्लोइटेशन एफिशिएंसी, एसिमिलेट कितना कर सकता है, दैट इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी, और उसके बाद में प्रोड्यूस कितना कर सकता है, दिस इज नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, दिस इज नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। कैसे बताएंगे, पी एन, दिस इज पी एन डिवाइडेड बाय ए एन, कि उसने सोखा उसमें से उसके पास बचा कितना, दिस इज पी एन डिवाइडेड बाय ए एन। ऐसे हम अगले की बात करते हैं, दिस इज ग्रॉस प्रोडक्शन, वो नेट था, दिस इज ग्रॉस। तो ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज द एसिमिलेशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड। तो हम इसको सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि दिस इज पी एन डिवाइडेड बाय आई एन। तो इंजेस्टेड जो था उसमें से वो बना कितना सकता है, दैट इज पी एन, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन लॉसेस वगैरह माइनस नहीं होते हैं, क्योंकि आई एन कभी भी ए एन नहीं होता, क्योंकि रेस्पिरेशन लॉसेस वगैरह इसमें से माइनस हो जाते हैं। तो हम ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बोलेंगे पी एन डिवाइडेड बाय आई एन। तो ये सारी जो बातें थी, चाहे हम बात करें
एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी की या ऑर्गेनिज्म की होती है कि वो खा कितना सकता है, वो पचा कितना सकता है, उसका नेट प्रोडक्शन कितना आएगा, उसका ग्रोस प्रोडक्शन कितना आएगा, ये सब ऑर्गेनिज्म के लिए थे। ये सारी एफिशिएंसी ऑर्गेनिज्म की होती है, किसी भी जीव की ये वाली एबिलिटी कितनी है, ये वाली एबिलिटी कितनी है। लेकिन एक चीज जो और हम यहाँ पे देखेंगे वो है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो क्या चीज होती है, वो क्या होता है, पी एन डिवाइडेड बाय पी एन माइनस वन। पी फॉर प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी, तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल वाले कितना बना पाते हैं, दिस इज पी एन। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे पीछे के ट्रॉफिक लेवल वाले कितना बना पाते हैं। तो पीछे के ट्रॉफिक लेवल वालों ने जितना बनाया, अगले ट्रॉफिक लेवल वाले कितना बना पाते हैं, तो इन दोनों का अनुपात जो है वो हो जाएगा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट्स थे, इन्होंने 100 किलो कैलोरी बनाया था। अब इसको कोई हर्बीवोर ईट कर रहा है तो वो हर्बीवोर अब कितना बना पाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसा है जो नॉन यूटिलाइज है, एसिमिलेट नहीं हुआ, कुछ एक्सिटा के रूप में बाहर चला जाएगा, उसके मेटाबॉलिज्म में लग जाएगा, तो उसके बाद में उसके पास जो बचने वाला वो बहुत छोटा हो जाएगा। और हम जो 10% थिनिंग लो जो हम बात कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 100 कैलोरीज ने जो बनाई थी, अब उसका केवल 10% यानी कि 10 किलो एनर्जी इसमें पहुंचती है। तो दिस इज 10 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 100, तो उनके पास जो था दैट इज पी एन माइनस वन। तो पिछले ट्रॉफिक लेवल वालों के पास जो था दैट इज एन माइनस वन प्रोडक्टिविटी, और अब उससे अगले वाले कितना बना पाते हैं, दिस इज पी एन। तो पिछले ट्रॉफिक लेवल वाले की दक्षता और फिर उससे अगले लेवल वाले की दक्षता, इन दोनों दक्षताओं का अनुपातिक अंतर होता है इकोलॉजिकल दक्षता, यानी कि पी एन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन। तो एक्सप्लॉयटेशन, एसिमिलेशन, नेट प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी अभी। तो अब इनसे जुड़ी भी कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कि कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। क्या है, क्लियर हो रहा है? आप लोग जब इस वीडियो को दोबारा से देखें तो अपने रजिस्टर में इन एफिशिएंसीज को लिख भी लेना और अपनी भाषा में इनके बारे में दो दो चार चार लाइन भी लिख लेना, ताकि आप दोबारा पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि क्या बातें थी और कैसे इनको समझाया जाता है। आप में से क्यूरी है किसी की? क्लियर हुआ सारा? आप लोग मैसेज करके रिप्लाई दे सकते हैं कि क्या क्लियर हो गया सारा। ओके गोविंद, शिवानी भदौरिया, क्लियर हुआ बेटा? ओके संदीप कुमार, ओके 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 ओके, चलो तो कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम अब यहीं पे फिनिश करते हैं। आप इन चीजों को दोबारा से देखिएगा और इसका जो वीडियो है उसको यूज करें और साथ में अपने नोट्स वगैरह बनाएं, और कुछ ही देर में आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, एक या दो दिन में हो सकता है कि मैं कल आपको असाइनमेंट भी दे दूं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ओके सही बात है, एक बार और रिपीट कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से काम करें,
और सारी चीजों को क्लियर करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल दोबारा जब हमारी क्लास स्टार्ट हो तो आप मुझे आते ही बता दिया करो कि हाँ सर इस पॉइंट में ये दिक्कत थी, तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, वो अच्छा रहता है। क्या कह रहे हो? बुक में तो जहाँ पे आप ये पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का मतलब ये कि जहाँ पे आप इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज की बात करें तो एनर्जी ट्रांसफर वगैरह है, बस वही रहेगा टॉपिक तो। ठीक है, और कोई बात हो? ओके, चलो ठीक है फिर, है ना, क्लास को ऑफ करते हैं अपन। ओके बाय बाय, हाँ जी मैडम नमस्ते। ऑनलाइन क्लास होती है अच्छी बात।